आज की जो हमारा टॉपिक है और टॉपिक है शीट्स के ऊपर, हम आपको बताएंगे किस तरीके से शीट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो हम आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि शीट्स को कैसे कॉलिंग, मैं शीट कॉलिंग को समझा दी थी, लेकिन हाँ शीट्स में और क्या क्या होते हैं, चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ। प्लीज आप अपना मैं म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है काफी। तो मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया था कि जब हम यहाँ पे पर्टिकुलर शीट्स को हम लोग कॉल करते हैं तो कैसे करते हैं, तो मैं बता रहे तीन तरीके हैं। एक तो है कि उसकी प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग कॉल किया जा सके, कि उसकी जो प्रॉपर्टी नेम है उसके अकॉर्डिंग हम कॉल करते हैं। दूसरा आता है उसका कैप्शन नेम, कि उसके कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉल करेंगे। कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग कॉल करेंगे, और तीसरा हम उसके सीक्वेंस नंबर से सीट्स, और हमने यहां पे डाल दिया हुआ, उसके सीक्वेंस नंबर से हम कॉल करेंगे। तीन तरीके हैं और तीनों का सिचुएशन मैंने बता दिया था। जब आपका नाम बार बार चेंज हो तो हम प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग चलते हैं, और आपका मान लो कैप्शन नेम चेंज नहीं, मतलब कि आपका एज फिक्स रहता है लेकिन सीट बराबर डिलीट होती रहती है, नई सीट बनती रहती है, तो इस नेम के अकॉर्डिंग, और जब आपको पता ना हो कि इसका नाम वगैरह क्या है तो इससे मतलब से। अब चलिए हम सीट पे क्या क्या करते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमें सीट ऐड करना हुआ तो कैसे करें। तो सीट ऐड करने के लिए हम यहां पे लिखते हैं शीट्स डॉट एड, जैसे वर्कबुक डॉट एड था ऐसे सीट डॉट एड। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करें है तो अपर केस में या फिर लोअर केस में। मैन जी ज्वाइन कर रहे हैं आप? ठीक है, सेलफोन से ज्वाइन कर लीजिए अगर सिस्टम नहीं है तो। ठीक है, तो शीट्स डॉट ऐड, तो हम शीट्स को ऐड करते हैं, और जो शीट को हमने ऐड किया है उसको अगर नाम लिखना है तो दो तरीके हैं। एक तो है जैसे कि वर्कबुक जब ऐड होती है तो उसका नाम जो है वो एक्टिव शीट होता है, जो एक्टिव होता है, तो इसलिए यहां पे हम लिख सकते हैं कि एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू जो नाम है, जो भी नेम है आपका, जैसे कि जैन। एक तरीका तो ये था, लेकिन अगर आपका जो सीट ऐड होते ही नाम हो जाए तो आप यहीं पे लिख सकते हो डॉट नेम, जो कि वर्कबुक में लास्ट क्लासेस में आपको मैंने बताया था, वो यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब सीट जब हम ऐड करते हैं उस पे आइए थोड़ा सा। तो जब भी हम सीट ऐड करते हैं तो जो भी हमारा एक्टिव है, मतलब सीट ऐड कमांड चलाया तो सीट वो एक्टिव है, तो इससे पहले आपका आ जाएगा, तो बिफोर द एक्टिव सीट आपका इंसर्ट होता है। लेकिन जैसे कि मान लो सीट वन पे हूं तो मैं चाहता हूं मैं सीट थ्री पे हो, सीट फोर पे हो, वगैरह वगैरह, तो मैं एक हम जो सीट ऐड करना चाहते हैं वो हम अपने मर्जी से ऐड करना चाहते हैं। तो जब शीट ऐड का जो हम कोड डालते हैं, लिखा शीट्स डॉट ऐड, तो स्पेस मार्क स्पेशन आता है बिफोर आफ्टर।
अगर बिफोर करना है तो यहाँ पे बिफोर सीट का नेम डाल दें, अगर आफ्टर करना है तो आफ्टर सीट का, मैं मुझे मान ली सीट फोर के बाद करना है तो बिफोर नहीं करना है, तो मुझे बिफोर को स्किप करना है। तो आपको पता है कि स्किप करने के लिए हमें जस्ट कॉमा यूज करते हैं, कॉमा यूज किया यहाँ पे आफ्टर आ गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे, अब सीट का नाम लिखना है तो ऐसे नहीं है कि आप सीट का नाम सीट फोर था, आप यहाँ पे सीट फोर दे दिया, ऐसे दे दिया, एक गलत है। हमें सीट को कॉलिंग मेथड के जरिए डालना पड़ेगा, मतलब यहां पे सीट और यहां पे सीट फोर, इस तरह से। तो हमें कॉलिंग मेथड के जरिए डालना, तो सीट फोर मतलब कि जो सीट ऐड होगा वो आफ्टर सीट फोर ऑटोमेटिकली ऐड। But problem is that कि मुझे अगर सबसे लास्ट बैच करना हो, मुझे नहीं पता है कि सीट का लास्ट सीट का नाम क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि चार सीट है, मुझे पता है कि चार सीट है, और मुझे नहीं पता है कि लास्ट बैच करना है, तो यहां पे नंबर फोर में कर दो, नंबर फोर, ठीक है। लेकिन कॉलम ही आता है कि तो ठीक है चौथे में इतना डाल देगा, क्योंकि इस कॉलिंग मेथड के अनुकूल में डाला है, अब बात यहां पे आती है कि मुझे नहीं पता कि इसमें कितने नंबर ऑफ शीट्स हैं, तो यहां पे एक फॉर्मूला हम डाल सकते हैं कि शीट्स डॉट काउंट, शीट की ऑटोमेटिकली वो काउंट करेगा और फिर काउंट करके यहां पे इसका इस्तेमाल करेगा, तो शीट्स डॉट काउंट इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो शीट्स डॉट एक सीट जो होगा हमेशा ऐड होगा। अब एक बार में एक ही सीट ऐड होता है, अगर मैं इसको कॉमा करूं तो यहां पे काउंट आता, तो मैं यहां पे 10 कर दूंगा तो वो 10 सीट को एक बार में ऐड करेगा, तो 10 सीट जो है वन टाइम में एंटर करेगा अगर हम यहां पे काउंट डाल देते हैं। तो अजय जी, नरेश जी, सचिन जी, आप लोगों को सीट ऐड करना आ गया और सीट को रिनेम करना आ गया, दो फीचर्स आपको समझ में आ जाने चाहिए थे। यस सर। डाउट तो नहीं इसमें? यस सर। अब चलिए, अब इसमें नेक्स्ट जो फीचर्स आता है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमने सीट को ऐड कर लिया, तो सीट को अब मूव ऐड कर लिया तो हमें मूव भी करना होगा ना, जैसे एक अगर रिपोर्ट है हमारे पास, अगर मुझे इस रिपोर्ट सीट रिपोर्ट को मूव करना है किसी एक सीट से दूसरे सीट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जिस सीट को मूव करना है, सीट फोर। अब कॉलिंग मेथड आपने पढ़ ली, लेकिन इसमें तीनों में से क्या होंगे आप डिपेंड करेंगे। सीट वन डॉट मूव, अगर मैं सीट डॉट मूव लिख के छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, ये सीट वन पे जाएगा, मूव एंड कॉपी, और यहां से न्यू वर्कबुक सेलेक्ट करके मूव करेगा। मतलब कि मूविंग करते समय, मतलब कि मूव करते समय अगर आपने किसी भी सीट का पाथ नहीं दिया तो राइट। लेकिन मैं बोल दूं कि मूव करना है सीट्स थ्री टू, तो सीट टू कर दिया, तो सीट टू के बाद मूव कर देगा किस में, सेम फाइल में।
लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई और फाइल है, जैसे मैं यहाँ पे बुक टू ओपन करता हूँ, मैं चाहता हूँ बुक टू के दूसरे शीट के बाद ऐड करें, बुक टू के दूसरे शीट के बाद ये ऐड करें, तो उस केस में यहाँ पे हमें वर्कबुक का पाथ देना पड़ेगा कि पर बुक्स, और यहाँ पे हम दे देंगे बुक टू डॉट xlsm extension है वो extension and dot sheet right। उसी तरह से अगर आपको ये तो मूव हुआ मतलब कि उठा के कट कट और पेस्ट करेगा, लेकिन आपको कॉपी करवाना है तो सेम प्रोसीजर होगा आपके कॉपी का, डॉट कॉपी। अब कॉपी हम सिंपल कर देंगे तो नई फाइल में कॉपी कर देगा, अगर हम यहां कॉपी करते समय पास दे सीट क्या वर्कबुक का तो उसके अकॉर्डिंग करेगा, अगर हम वर्कबुक का पास नहीं देते हैं सिर्फ सीट का पास देते हैं तो सेम फाइल में करेगा, अगर इसमें नहीं करते हैं अलग करते हैं तो अलग करेगा, अगर सिर्फ फाइल देते हैं तो फाइल करेगा, ठीक है सर। डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, तो कॉपी कर ली। अब बात करते हैं सीट को डिलीट करने का, अगर मैं यहां पे सीट वन डॉट डिलीट करता हूं, सीट वन डॉट डिलीट करता हूं तो क्या हो, तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन नहीं, डिलीट होने पे यहां पे माइक्रो स्टॉपर आएगा, क्या माइक्रो स्टॉपर आएगा कि जब किसी भी सीट को डिलीट करते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं, तो डिलीट करते समय देखा है एक पॉपअप आता है, एक पॉपअप आता है, तो इस यहां कोड में पॉपअप आएगा, मैं कहता हूं कि ये अलर्ट ना है, तो फिर इसके लिए मुझे एप्लीकेशंस ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा इसके ऊपर, और मुझे एक्सेल की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी कि एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, ये क्या करेगा कि आप किसी भी अलर्ट को शो नहीं होने देगा और आपका सीट डिलीट हो जाएगा बिना पूछे। तो जब भी आप याद रखिएगा अगर डिलीट करते हो, मान लीजिए बड़ी फाइल आपने बनाई है, ऑटोमेटेड फाइल बनाई है, सीट डिलीट करने का आपने कोड डाल दिया, और सीट अगर डिलीट होता है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस पे अलर्ट है और अलर्ट आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा तो माइक्रो ही पे रुक जाएगी जब तक आपने डिलीट पे क्लिक नहीं करोगे तब तक, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। तो सीट हमने डिलीट करना, सीट ऐड करना, रिनेम करना, मूव एंड कॉपी करना, और हमने डिलीट करना सीखा। अब नेक्स्ट आता है हाइड एंड अनहाइड, किसी भी सीट को हाइड करना और उसको वापस अनहाइड करना। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हाइड एंड हाइड के लिए, लिखेंगे यहां पे शीट वन डॉट विजुअल, विजुअल में तीन चीजें हैं, सीट हिडन, अगर मैं सीट हिडन कर दिया तो नॉर्मल जो हाइड होता है एक्सेल ये हाइड होगा, और कोई भी जो भी इस फाइल को यूज करेंगे वो आप इसको अनहाइड कर सकता है,
लेकिन अगर मैं यहां पे इक्वल सीट हिडन की जगह पे वेरी हिडन कर देता हूं तो क्या होगा कि उसको यहां से कोई अनहाइड नहीं कर सकता। उसको अनहाइड करने के लिए हमें बीच में वीवी की मदद लेनी पड़ेगी कोड के जरिए, या फिर जिस सीट को करेंगे उस सीट की प्रॉपर्टी में विजुअल में जाकर वापस विजुअल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, वापस अगर विजुअल करना हो तो जिस सोर्ट को विजुअल करना हो तो यहाँ पे विजुअल इक्वल टू एक्सेल सीट विजुअल करेंगे तो विजुअल हो जाएगा। तो सीट हिडन करने के लिए दो फैसिलिटी है, हिडन एंड वेरी हिडन। हिडन नॉर्मल है, वेरी हिडन के लिए वीवीए के थ्रू ही अनहाइड होगा वो, नहीं तो नॉर्मल यूजर उसको नहीं कर सकता है, राइट। तो हमने सीट को हाइड अनहाइड करना भी सीख लिया। तो हमने सीखा सीट को एक्टिवेट करना, सीट को डिलीट करना, रिमूव करना वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं कि मैं बात करता हूं कि सीट की टैब कलर के लिए। सीट की टैब कलर मतलब कि उसकी जो यहां पे कलर होती है ना, राइट क्लिक करके जब यहां पे राइट क्लिक करके लोग टैब कलर करते हैं सीट के, तो टैब कलर कैसे हो? तो कलर कैसे होगा टैब कलर, चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए यहां पे लिखेंगे शीट, जिस शीट को कलर करना है डॉट और टैब डॉट कलर इक्वल टू, कलर में दो चीजें डाल सकते हैं कि डॉट वीपी डॉट रेड ग्रीन ब्लू शाम लंटा जो होता है वो डाल सकते हैं, या फिर इसमें आप रेड ग्रीन ब्लू की जगह पे आप ये भी दे सकते हैं आरजीबी, और यहाँ पे आरजीबी का मेथड 120 होना चाहिए, 10 होना चाहिए और यहाँ पे 50 होना चाहिए। अब ये नंबर कैसे पता चलेगा? देखिए जब भी आप कोड करते हैं किसी कलर में तो कलर के मोर कलर्स में आप चले जाइए और मोर कलर्स में यहां देखिए जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, ब्लू फॉर ब्लू, G फॉर ब्लू, RGB होता है जिसके नंबर डालने होते हैं। तो कलर चाहे हम सेल टैब पे करें, सेल पे करें या कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे कलर करेंगे तो कलरिंग का मेथड जो है जो बताया मैंने ऐसा मेथड ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीट की प्रोटेक्शंस को कि हाउ कैन प्रोटेक्ट द सीट। तो उसके लिए यहां पे लिखेंगे सीट जो भी कॉलिंग मेथड है और यहां पे करेंगे प्रोटेक्ट, पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद ये बहुत सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये क्या है, ये अलाउ है। जैसे कि अब जब हम पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पासवर्ड डालते हैं इसके नीचे जो चेक बॉक्स है ये से सारे चेक बॉक्स का ऑप्शन है जिसको आपको देना है। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि मुझे फॉर्मेटिंग सेल्स को अलाउ करना है तो कॉमा किया ड्रॉइंग ऑफ दे कंटेन सिनेरियो ऑफ दे अलाउ फॉर्मेटिंग सेल्स, तो यहाँ पे इसको मैं ट्रू कर दूं तो मैं पासवर्ड डालने के बाद भी फॉर्मेट कर सकता हूँ। सीट को प्रोटेक्ट ऐसे किया जाता है, वापस अनप्रोटेक्ट करना है तो सीट को कोड होगा अनप्रोटेक्ट और यहाँ पे पासवर्ड, ये आपका अनप्रोटेक्ट हो जाएगा, राइट। कोई डाउट इसमें? अब बात ये होता है कि हम सीट को तो सिंगल सेलेक्ट किया हमने, लेकिन मुझे सीट को सिलेक्ट मल्टी सीट को सिलेक्ट करना है। मैं चाहता हूं मैं एक साथ कई सारे सीट को सिलेक्ट कर सकूं, मैं चाहता हूं कि एक सीट
मतलब सीट को एक साथ कई सारे सीट को सेलेक्ट कैसे करें, कई सारे सीट को एक साथ हम कैसे करें। तो उस केस में यहां लिखेंगे, जैसे होता है ना बड़े टैब सेलेक्ट करके करते हैं, यहां इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको इस तरह से कंट्रोल से या शिफ्ट से कई सारे सीट को एक साथ सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसे कई सारे शीट को एक साथ कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो होगा शीट्स और यहां पे एरे, और इस एरे में आप दे दीजिए अपने शीट्स के नाम विथ कॉमा, इस तरह से कि शीट वन कॉमा शीट टू, ऐसी कॉमा सी थ्री फोर फाइव, बाद में एरे को क्लोज करें। उसके बाद जो करना चाहते हैं आप सेलेक्ट डिलीट जो करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। एक मिनट है, तो कुछ छूट गया है। अच्छा हाँ भी ठीक है। तो शीट्स के ऊपर होने वाले सारे फीचर्स को हमने समझ लिया। कोई डाउट इसमें आप लोगों को? नहीं सर। ये ना जी, तो एक कोड इसमें आपको भेज रहा हूं, कोर्स के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करें और सीट के जितने भी पार्ट है उसको आप समझें, और बाद में जो है हम आपको कल जो है इस पे एक प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे, क्योंकि आप अपने हिसाब से फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आपको मिल जाएगा। आज मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, कोई समरीन जी का मैं एक वर्क नहीं करा, बाद में ड्राइव में भी डालता हूँ। जरूरी डाउट होगा तो कॉल कर लीजिएगा, बड़ी डाउट के लिए आप उसको नोट कीजिएगा अगली क्लास में, ठीक है? ओके सर, ओके बाय।